हाँ मुझे पता है, माँ का जन्मदिन है आज। झाड़ू भी नहीं लगी आज। कर तो रहे बहू। ये तू, तेरी बीवी क्या कर रही थी अभी? कर तो रहे काम। अच्छा काम कर रहे हो, पर दिखा तो मुझे कुछ नहीं। ये देख सारा फर्श तो गंदा पड़ा है, झाड़ू तक नहीं लगाई तुम लोगों ने। कर रहे हैं बहू, तुम जाओ अंदर, हम कर लेंगे काम। मम्मी पापा कितनी बुरी हालत। अच्छा मैं अंदर चली जाऊँ ताकि तुम दोनों यहाँ पे मटर गश्ती करो, काम ना करो कोई। कम बहू कम काम करते तो रहते हैं, जो तुम कहती वो करते हैं, फिर भी तुम हमको मारती रहती हो, ये बात अच्छी नहीं है। मेरा बेटा फौज में है, जिस दिन घर आएगा ना उस दिन तुमको मालूम चलेगा, देखना तुम्हारा क्या हाल करेगा। क्या कर लेगा तेरा बेटा, उसको कुछ पता लगेगा तब कुछ कर सकेगा ना। मैंने ड्यूटी रहता है वो सो कुछ नहीं पता। तुम दोनों से बताओगे? तुम दोनों की इतनी हिम्मत है जो तुम उसे बता दो कुछ? तू क्या बचा रही है अपने पति को? एक बात याद रख, अगर मुझे ज्यादा गुस्सा आया ना, दोनों के दोनों को इस घर से बाहर निकाल दूंगी, वृद्धाश्रम भेजूंगी। नहीं नहीं। और एक बात बताओ, बड़ा बेटा बेटा कर रहा है, तेरे बेटे ने ना तेरे लिए 20,000 रुपए भेजे थे कि मम्मी पापा की दवाइयां उनका खर्चा ये सब कर लेना। तो पैसे दे देना मेरे। वो 20,000 ना मैंने खर्च कर लिया, अपने कपड़े ले लिए यार। अब तुम बुढ़े बुढ़े की दवाइयों से ज्यादा इम्पोर्टेंट मेरे कपड़े नहीं है क्या? अच्छी दिखूंगी, अच्छी स्टेटस वाली हूँ, तभी तो लोगों को पता लगेगा ना। किसी और से साफ करवा ले बेटा। क्यों, तेरा बाप आएगा साफ करने? तेरी माँ, चुपचाप उठ, बाथरूम साफ कर, चल उठो, दोनों सुनना ही नहीं दे रहा है। उठ उठ ना, जा जाकर बाथरूम साफ करो। अंकिता प्रिंस, तुम घर आ गए, कैसे बताया तूने? क्या बताता, आज माँ का जन्मदिन है ना, तुम्हें तो पता है हर साल मैं जन्मदिन मनाने जरूर आता हूँ, पिछले साल भी तो आया था घर पे। अरे यार, माँ कहाँ है, जन्मदिन की तैयारियां कर रहे हैं क्या घर में? माँ सो रही है अभी अंदर। सो रही है अंदर? हाँ। अभी तक उठी नहीं, दोपहर के 3 बज रहे हैं। अभी सोई है दवाई लेकर, सिर दर्द हो रहा है माँ का। अरे यार आज जन्मदिन और उनके सिर दर्द हो रहा है, तुमने कोई तैयारियां नहीं करी? अरे मैंने सोचा कि उनके लिए बड़ा सा होटल बुक कर लूं, अच्छी सी पार्टी करेंगे, और तुमने पैसे तो दिए थे उसी से सब करने वाली थी। अच्छा जो मैंने पैसे भेजे थे उसी से करने वाली थी? हाँ। अरे यार मैं सोचा खुद ही आके माँ को सरप्राइज दे दूं कि माँ इनका जन्मदिन है, आज तो मैं आ गया हूँ, खुश हो जाएंगी मुझे देखकर। बाबूजी कहाँ है? पापा बाहर गए हैं। बाहर गए? अरे यार पापा बाहर चले गए, माँ अंदर है। चलो कोई नहीं, मैं तब तक चेंज कर लेता हूँ कपड़े। मतलब क्या हुआ? मैंने तुम्हारे लिए ना कुछ सोच रखा था सरप्राइज। मेरे लिए क्या सोच रखा है, जन्मदिन तो माँ का है। हाँ वो कुछ था, तुम अंदर मत आना, यही रहना, मैं आती हूँ। अच्छा। यही रहना, हिलना मत। कोई बात नहीं, सब पता करता हूँ। ओए अच्छे से बाथरूम साफ कर दिया तुम दोनों ने? कर रहे हैं बहू। अरे ये बड़ी शातिर है, पापा मम्मी को बाथरूम में भेजा बाथरूम साफ करने के लिए। एक काम करो, ये सब छोड़ो और जल्दी से अच्छे से कपड़े पहनकर तैयार हो जाओ। क्यों? हाँ तुम्हारा बेटा आ गया। हमारा बेटा आ गया? हाँ आ गया। कब आ रहा है? कब आ रहा है मेरे बेटे? तुम्हें सब बताऊँ मैं, बाहर खड़ा है वो। एक काम करना तुम सासू माँ, एक काम करना यहाँ पर लेट जाना, मैंने उसको बोला कि तुम अंदर दवाई खा के सो रही, तुम्हारा सिर दर्द था और तुम, मैंने कहा कि तुम बाहर गए हो, तो एक काम करना मैं तुम्हारे बेटे को अंदर लेकर जाऊंगी, तब आगे वाले गेट से आ। पर हम तुम्हारा कहना क्यों माने, तुम तो हमारे साथ इतना बुरा सलूक कर रहे हो और हम तुम्हारा कहना माने? बढ़िया बढ़िया, देखो एक और। उनकी भलाई के लिए, उनके लिए कितने पैसे भेजता रहा, दवाइयों के लिए पैसे भेजता रहा, लेकिन माँ बाप की ऐसी हालत शायद कोई भी बेटा देखना नहीं चाहेगा। बड़ी जुबान खुल गई दोनों की, बेटे क्या से याद है ना क्या बोला था मैंने, बेटे को कुछ भी बता लगा तो तुम दोनों। नहीं बहू हम कुछ नहीं बताएंगे, हम कुछ नहीं बताएंगे बहू। काम पर लग और तू सो यहाँ पर और तू बाहर चल, चल जल्दी करना, इतना टाइम नहीं है मेरे पास, सो जा यहाँ पर, अरे इसको रखना अंदर सो। अब एक काम करती हूँ, बाहर जाती हूँ, प्रिंस का ध्यान भटकाती हूँ ताकि ये बुड्ढा बाहर जा सके और वापस आ सके। प्रिंस 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 तुम यहाँ क्यों खड़े हो? छुपा थोड़ी था, वो देख रहा था कि हमारे कमरे मतलब घर को पेंट करवा देंगे दोबारा से, खराब हो रहा है ना पेंट, उतर रहा है। ऐसे कौन पेंट देखता है, क्या हो गया तुम्हें, छुपा तो नहीं कुछ?
क्या छुपाना, माँ के लिए तोहफा लाया था वो छुपा रहा हूँ। उनके लिए मैंने सोने की चैन बनवाई है 50-60 हज़ार की। क्या सोने की चैन 50 हज़ार? हाँ तो क्या हो गया, माँ के लिए इतना नहीं कर सकता बेटा। अच्छी बात है, अच्छी बात है। हाँ तुम ये सोच रही होगी ना तुम्हारे लिए नहीं बनवाई, तुम्हारे लिए इतने सारे गहने बनाए हैं, हाथ में तुमने जो दो दो डायमंड की अंगूठियां पहन रखी है ये भी तो मैंने बनवाई है, अब क्या माँ के लिए इतना नहीं कर सकता हूँ मैं? हाँ, एक काम करो ना, अंदर चलो। तुमने कहा था कि पापा बाजार गए, पापा मेरे सामने से अभी निकले यहाँ से, बस उन्होंने मुझे देखा नहीं, उस तरफ गए कहीं। वो पापा बाजार मुझे लगा गए हैं, पापा ने बोला था, फिर पापा वापस आ गए, मुझे पता ही नहीं लगा कब आ गए। पता नहीं, मैंने ऐसे छुपा हुआ था मैं, तो मैं सोचा पापा को सरप्राइज करता हूँ, लेकिन पापा यहाँ से निकल के दरवाजे के बाहर चले गए। कुछ काम होगा इसलिए चले गए होंगे। अच्छा पता नहीं। हाँ तुम इतना सोच के रहे हो। माँ कहाँ है, सोई हुई है अंदर? हाँ, अभी तक नहीं उठी। तुम चलो ना, तुम कह रही थी कि अंदर कुछ सरप्राइज देने के लिए गई है। अरे वो तो मैं सरप्राइज का सोच रही थी, बट मैं सोच रही कि शाम को ही दूं एक साथ, अच्छा लगेगा। अच्छा ठीक है, तो मैं माँ से बात करनी है। हाँ चलो चलो। अरे बेटा प्रिंस तू कब आया? मैं बाजार गया था ना असल बात। अरे पापा आप, तू क्या सोच रहा है कि मैं घर में था? नहीं नहीं, मैं तो बाजार से होके अभी अभी आया हूँ। और बेटा ठीक है ना तू? पापा तो अभी मेरे सामने से निकल के गए, ऐसा क्यों कह रहे हैं? बाजार क्यों गए थे, मतलब मेरे तो समझ नहीं आ रहा, पर ठीक है आप बोल रहे हो तो मान लेता हूँ, बाजार क्यों गए थे? छोड़ो ना, तुम भी क्या सवाल पूछ रहे हो? क्या सवाल ना पूछू, अभी मेरे सामने से निकल कर पापा गए और कह रहे हैं मैं बाजार से आ रहा हूँ, नाटक क्यों कर रहे हैं बाजार जाने का पापा? अभी पापा आपकी मजाक की आदत, तुम तो जानते हो पापा को बचपन से मजाकिया कितने हैं। तुझे बड़ा पता बचपन से? मेरे पापा हैं, मुझे पता होना चाहिए। और पापा आप ऐसा नाटक क्यों कर रहे थे? पापा आपको वो बात बताना तो भूल ही गई, मैं बताती हूँ। बाजार बाजार मत कर, देख सकते तुझे घर से बाहर जाते हो। अब ये बोल कि बाजार पहले गया था और अभी मैं जिस बाहर गया था पड़ोसी से मिलने और वापस आ गया। वो क्या करूं, मेरा बुढ़ापे का शरीर है ना, पता नहीं सोचता कुछ हूँ बोलता कुछ हूँ। नहीं नहीं ठीक तो ठीक कह रहे, ठीक कह रहे, मैं घर ही में था अभी अभी बाहर, ये बगल मेरा दोस्त रहता है ना उससे मिलने गया था, दोस्त से मिल के आया, बाजार नहीं गया था। देखा प्रिंस, तुम फालतू में इतने सवाल पूछ। अच्छा अच्छा मुझे पता नहीं था अंकिता, चलो माँ से मिल लेते हैं, पापा बैठे हुए, मैं आता हूँ माँ से मिलकर। ये कहीं उस बुढ़िया से बात ना कर लो, वो बुढ़िया बताना दे। हाँ पापा उधर बैठो ना, बहुत बूढ़े उधर, मैं आती हूँ अंदर, आती हूँ। अरे माँ। बेटा 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 तू आ गया? हाँ माँ आ गया मैं। बेटा तेरी बीवी हमारा बहुत ध्यान रखती है। हाँ मुझे पता चल गया कि वो आपका बहुत ख्याल रखती है, जन्मदिन मुबारक हो माँ। आपको खुशी हुई ना मेरे आने की? बहुत बहुत खुशी हुई बेटा, बहुत खुशी हुई तुझे देखकर। माँ मुझे भी बहुत खुशी हुई आप दोनों को देखकर। पापा पता नहीं क्या अजीब अजीब सी बातें कर रहे हैं, मेरे सामने निकल कर बाहर गए थे, कहने लगे कि मार्केट गए थे, बाहर से आ रहे हैं, पता नहीं बहकी बहकी सी बातें कर रहे हैं। मुझे लगता है बहुत दिनों बाद मैं इनसे मिला हूँ ना, वे शायद मुझे देख कर ज्यादा एक्साइटेड हो गए। तबीयत खराब चल रही है ना बेटा? तबीयत खराब रहने लगी है। अंकिता मैं दवाई भेजता तो था, वो दी नहीं मम्मी को, पापा को भी नहीं दी। क्या दवाई दी तो मैंने, दी थी ना दवाई? अच्छा दी है वो, और सब ठीक है ना तबीयत वगैरह? हाँ। अंकिता तुम बाहर जाओ ना, मुझे माँ से कुछ जरूरी बात करनी है। तो मेरे सामने कर लो जो बात करनी है। तुम्हारे सामने क्या बात करूँ अंकिता, जाओ ना, माँ बेटे की आपस की बात है। मुझे भी तो अच्छा लगेगा ना, माँ का जन्मदिन है आज, तुम क्या सरप्राइज लाए हो मुझे देखना है, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अंकिता 2 मिनट का समय तो दो। जा रही हूँ, जा रही, जा रही। माँ सच बताना ख्याल रखती है या नहीं? बेटा तेरी बीवी मुझे बहुत परेशान करती है, इसने हम दोनों का जीना हराम कर रखा है, मुझे बहुत डर लगता है। माँ ये कहीं तेरे पापा को या तुझे कुछ ना कर दे। मैं जब आ रहा था तब देखा कि ये झाड़ू से आप लोगों को मार रहे हैं, ये कब से चल रहा है सब? बेटा तेरे जाने के बाद ये हमारे साथ बहुत बुरा सलूक करती है। आज लग रहा है बेटा होने के नाते शायद मैं हार गया।
मेरे तेरा कोई दोष नहीं है बेटा। माँ मेरे होते हुए ये सब आपको सहना पड़ रहा है। सोचिए कैसा लग रहा होगा मुझे। मैं जब बॉर्डर पे गया था मेरी बीवी ने मुझे पता क्या कहा था, तुम्हारे माँ बाप का मैं ख्याल रख लूंगी, तुम चिंता मत करो, तुम देश की सेवा में लगो, मैं तुम्हारे माँ बाप की सेवा अपने माँ बाप समझ कर करूंगी। आज जब देखा आपको बाथरूम साफ करते हुए झाड़ू से आपको मार रही थी, बहुत बुरा लगा। कोई बात नहीं माँ, बुराई का अंत तो होता ही है ना, इसे भी मैं धक्के मार कर यहाँ से निकालूंगा। नहीं 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 बेटा, हम लोगों के पीछे तू अपनी गृहस्थी मत खराब कर। माँ आग लगे ऐसी गृहस्थी को जिसमें मेरे माँ बाप ही सुखी नहीं है, और आप मेरी गृहस्थी के चक्कर में खुद ये सब सह रहे हो, बताया क्यों नहीं आपने? नहीं नहीं तू बेटा अपनी गृहस्थी मत खराब कर, मैं और तेरे पापा रह लेंगे। माँ मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर दुनिया मेरे खिलाफ हो जाए ना मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे छोड़कर चले जाए, मुझे मेरे माँ बाप चाहिए। माँ माँ मैं अब तब तक ड्यूटी नहीं जाऊंगा जब तक मैं उसे धक्के मार के घर से बाहर ना कर दूं। नहीं 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 बेटा, हमारे पीछे तो अपनी गृहस्थी मत खराब कर। अरे हम दोनों बुढ़ा बुढ़िया का क्या रहे, हम आज मरे कल दूसरा दिन, माँ हम कैसे भी ऐसा मत बोलिए ना। नहीं नहीं तू अपनी गृहस्थी मत खराब कर बेटा, हम लोग रह लेंगे। अरे हम कहीं हम आश्रम में रह लेंगे, कहीं पे भी चले जाएंगे, पर तू अपनी गृहस्थी। आपको मेरी कसम है ऐसे शब्द मत निकालिए मुझसे, क्योंकि मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है आज, आपके बिना है कौन मेरा, देख ली दुनिया, सब दिखावा करते हैं अपना बनने का, अपना कोई नहीं होता, माँ बाप के बिना कोई नहीं बनता, आज तो सब समझ में आ गया। कोई बात नहीं, वो कहते हैं ना कि अगर बुरा करोगे तो सजा तो जरूर पाओगे। बड़ा खुश लग रहा है, बेटे के आने की खुशी होगी ना? हाँ वो मेरा बेटा घर भी आए तो मुझे खुशी तो होगी ना। वो चुप कर, तुझे किसने कहा था अपने बेटे को सब कुछ बताने को? मैंने तो बताया, बहुत तूने मना किया था। अबे उसके सामने निकल के गया तू घर से बाहर और कह रहा कि मैंने नहीं बताया। अरे बहू मैं तो जैसा तूने कहा मैं वैसा नाटक कर रहा था, वो मैं निकल के गया हूँ, उसने मुझे देख लिया, मुझे पता नहीं चला ना। मैंने कहा था ना मेरे साथ जाइयो, क्यों गया पहले? बहुत शातिर समझता खुद को, बहुत तेज है तू। गलती हो गई बहू, गलती हो गई, तेरे चक्कर में फंस गई मैं, चुप हो रहा था उसको तो शुक्र है मैंने बचा लिया, और आकर भी क्या कह रहा है मैं आगे मैं बाजार गया था, ऐसे कौन बोलता है? वो बहू मैंने कह तो दिया था कि मैं बुढ़ापे में बोलता हूँ कुछ, सोचता कुछ हूँ। तेरा बुढ़ापा ना अच्छे से निकल नहीं, एक बार तेरे बेटे को जाने से फिर बताऊंगी तुझे। तो पता नहीं ये लोग क्या बातें कर रहे होंगे, मुझे बाहर भेज दिए। एक बात याद कर, तेरी बीवी ने कुछ बोल दिया ना अगर तो तुम दोनों मियां बीवी ना मेरे हाथ से गए। नहीं कुछ 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 नहीं बताएंगे, कुछ नहीं बताएंगे। मेरा बेटा ना फौज में है, उसे पागल मत समझ, नाटक कर रही है ना, सब कुछ समझ गया होगा वो अब तक। कैसे समझ गया होगा वो, पिछली बार आया था ना पता चला था उसे कुछ? पिछली बार हम लोगों ने टॉयलेट भी तो नहीं साफ किया था ना। अबे तो तुमने कौन सा उसके सामने जाके टॉयलेट साफ किया है, उसके अंदर आने से पहले तो निकाल दिया था ना तुम दोनों को बाहर, उसे कुछ पता नहीं लगा होगा। वैसे भी वो दिमाग नहीं चलाता इतना, उसे यही पता है कि मैं उसके माँ बाप का अच्छे से ख्याल रखती हूँ। सच कितना ख्याल रखती है ना हमारा, मुझे लगता है बहू कहीं तेरी सासू माँ सब कुछ उसको बता ना दे फिर तेरी खैर नहीं। अबे बकवास बंद कर, वो कुछ नहीं बताएगी, डरा कर आई है उसे, अगर उसने फिर भी बताती तो ये समझ लियो कि उसे तुझसे प्यार नहीं है, क्योंकि धमकी तो यही दी है उसका पति। क्या छो मैं जाकर देखती हूँ मेरी क्या बात चल रही है अंदर, यही बैठा रही हो, शातिर बनने की कोशिश मत करी समझा। बातें हो गई तुम दोनों की? क्या क्या हुआ अंकिता, कर रहे हो क्या, क्या बातें चल रही दोनों की? कुछ नहीं, वो माँ से बड़े दिनों बाद मिला ना तो इमोशनल हो गया, वो याद आ रही थी माँ की। अच्छा माँ जन्मदिन मुबारक हो। खुश रहे बेटा, अंकिता जाओ ना, बोला ना 5 मिनट बात करनी है। जा रही हूँ। अंकिता प्लीज जाओ ना यहाँ से। ठीक है ना बाबा, जा रही हूँ। माँ आपका जन्मदिन है, मैं तोहफे के रूप में कुछ लाया तो हो नहीं, लेकिन हाँ वादा करता हूँ आपको एक अच्छी जिंदगी दूंगा, ऐसी नहीं आज मैं इसे धक्के मार कर यहाँ से निकाल दूंगा, शायद इससे बड़ा तोहफा आपके लिए कुछ नहीं होगा। नहीं बेटा हमें कोई तोहफा नहीं चाहिए, तू आ गया तुझे देख लिया बस यही हमारे लिए सबसे बड़ा तोहफा है, मुझे हम लोगों को कुछ नहीं चाहिए बेटा, हमें कुछ नहीं चाहिए। अरे पता नहीं क्या हो गया मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या हो रहा था बाबू वहाँ पे? रो रहा था तेरा बेटा। रो रहा था? क्यों रो रहा था, क्या उसको सब कुछ पता चल गया? अबे नहीं यार कुछ नहीं पता लगा, रो रहा था, माँ का जन्मदिन है इतने समय बाद मिला हूँ, माँ की याद आती थी क्या क्या। अब इन बुड्ढों के लिए कौन रोता है यार, दो चार दिन जिंदगी नहीं इनकी, और ये बुड्ढे
सर पर चढ़ के नाचते। बहू इसमें कौन सी नई बात है, हर बेटी को अपने माँ बाप से प्यार होता है। अब बहू तुझे भी तो अपने मम्मी पापा से प्यार होगा ना। अबे ओ मेरे माँ बाप की बात अलग है, तुम ना बुड्ढा बुड्ढी हो यार, शक्ल सूरत देखो, कपड़े देखो अपने। मेरे माँ बाप को खुद से कंपेयर करेगा, इतनी औकात नहीं है तेरी, समझा? जितनी औकात है ना उतना ही है। कहते ना चद्दर देख के पैर फैलो, वो तुम्हारा बेटा पैसे भेजता है, घर में नौकर रखो मम्मी पापा के लिए, उनको अच्छा लगेगा, उनके सारे काम पूरे होंगे। अब तुम जैसे शक्ल वाले इंसानों के नौकर कौन रखता है, तुम दोनों की खुद की शक्लें नौकरों वाली है। काम करो जाके, जो मैं कहती हूँ वो करो, शांति से रहो, और क्या होगा। और जो वो पैसे भेजते हैं नौकर के, वो तुम्हें खर्च ही देती हूँ। बेटा ये कोई अभी से नहीं चल रहा है, ये सब कुछ होते होते और हम लोगों को झेलते झेलते एक साल हो गया। पिछली बार भी जब तू छुट्टी पे आया था, इसी ने हमें कहा था ये सब नाटक करने के लिए, और तेरी खुशी की खातिर या तेरी गृहस्थी ना खराब हो, हमने भी नाटक कर दिया। माँ वो नाटक आज कितना भारी पड़ रहा है देख रहे हैं, अगर उसी वक्त इसे धक्के मार के निकाल दिया होता ना, तो शायद यह दिन देखने की नौबत नहीं आती। और एक बेटे के होते हुए माँ बाप को इतना कष्ट सहना पड़े, किसको मंजूर होगा, किसके लिए कमा रहा हूँ मैं, इस घर के लिए, आपके लिए। वो सब ठीक है बेटा, पर हमें भी यही लगता था कि अपने नए घर को छोड़ के आइए, समझते समझते ससुराल में शायद संभल जाएगी। अब मैं जैसा आपको बोल रहा हूँ आपको वैसा करना, आप अंकिता के सामने अभी जाइए और उसे बोलिए कि मैं बेटे को सब कुछ बता दूंगी, झाड़ू और पोछा खुद लगा, देखते हैं वो करती है नहीं। माँ आप जाइए, जितना बोला उतना कीजिए प्लीज, अगर आप चाहती हैं कि मेरी गृहस्थी सही रहे और आप मेरे साथ रहे हमेशा, प्लीज जाइए। कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा ना बेटा? गलत तो बहुत कुछ होने वाला है, हा? लेकिन मैं सब संभाल लूंगा, आप जाइए ना माँ, जल्दी जाइए प्लीज। बहू मेरा बेटा आया है, तो यहाँ बैठे बैठे क्या कर रही है, घर की सारी साफ सफाई करनी है, खाना बनाना है, खड़े होके ये काम कर। अबे वो बढ़िया बेटा है तो ज्यादा उछल रही है, जानती नहीं सारे काम कौन करता है, तू करती है ना तो झाड़ू पोछा मैं क्यों मारूंगी। जानती थी मैं, तभी बोल रही हूँ कि मेरा बेटा है और जितना कह रही हूँ ना उतना काम कर, ये काम बहुओं के करने का होता है ना कि हम बुजुर्गों का, खड़ी होके काम कर। अबे ओ नौकर समझाए मुझे, तो तेरे तो काम नौकर थे क्या तुम, नौकर ही तुम, मेरे को पता नहीं है। अरे जो करना था कर चुकी तू, अब तुझे जितना कह रहे ना उतना काम कर तू। और हाँ बाथरूम आधा साफ हुआ था और तूने हमें बाहर निकाल दिया था, वो आधा बाथरूम जाके साफ कर। मैं बाथरूम साफ करूंगी, तूने मेरा हुलिया देखा, मेरी शक्ल से लग रहा है कि मैं बाथरूम साफ करूंगी। अरे शक्ल पे बेटा किसी के कुछ नहीं लिखा होता, अरे शक्ल पे तेरी क्या ये लिखा हुआ है कि तू धोखेबाज और ऐसी लड़की है जो झूठ बोलती है और बुजुर्गों का अपमान करती है। इसका बुढ़िया इससे पहले मेरा हाथ उठ जाए ना अपना मुंह बंद कर ले, समझी? अरे उठा चुकी तू जितना हाथ उठाना था और उतनी अनीति कर चुकी जितनी तुझे करनी थी, अब तुझे जितना काम कह रहे ना वो करने की कोशिश कर बस। तू बहुत मुंह चल रहा ना बेटे के आने पर, बेटा पूरी जिंदगी तो यहाँ रहेगा नहीं, आज वक्त तेरा है कल मेरा भी आएगा। यही ऐसे ही कह कह के डरा डरा के तूने पिछली बार भी ऐसे ही किया था, लेकिन अब तुझसे डरने वाली नहीं हूँ मैं, खड़े होके जितना काम छोड़ा हुआ है ना बाकी का कर ले जाकर। नहीं डरेगी, नहीं डरेगी ना तू, नहीं डरेगी अभी भी, तेरा पति इसके साथ मैं क्या क्या कर सकती हूँ ना, जानती है तो अच्छे। प्रिंस प्रिंस क्यों अंकिता थप्पड़ उपड़ लगाया जा रहा है पापा को? हाँ वो प्रिंस वो ऐसा नहीं है, वो मैं बताती हूँ ना, सब देख लिया है मैंने, नाटक करने की जरूरत है नहीं, बहुत नाटक कर चुकी हो तुम पहले, सही है तुमने एक एक वादा किया हुआ अच्छे से निभाया, मेरे माँ बाप को अपने माँ बाप की तरह समझा, उन्हें प्यार दिया। अरे यार मैं तो दवाई के लिए 10-15 हज़ार भेजता रहा, लेकिन तुमने तो और ज्यादा ख्याल रखा उनका, नौकर भी रखे हैं घर में, कितने सारे नौकर हैं उनके लिए, पैसे तो नौकरों के भी भेजे थे मैंने, नहीं वो तुमने खर्च कर लिया अपने कपड़ों के लिए, सही है अंकिता बहुत बढ़िया, जो तुम्हें पैसे दिए वो भी खर्च किए और उनके लिए भी, दवाई जरूरी थोड़ी थी, माँ बाप कहाँ जरूरी है ना। कोई बात नहीं अंकिता, अब मैं तुम्हें माफ कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ये क्या ही किया तुमने, कुछ गलत थोड़ी ना है अंकिता ये, पर तुमसे एक जरूरी बात करनी थी। अंकिता अभी थाने नहीं गई ना तुम, अब जरूर जाओगी, जेल करवाऊंगा तुम्हें, मेरे माँ बाप को परेशान करने के जुल्म, इन्हें मारने के जुल्म, और तुमने कितना सारा परेशान किया है ने? बाथरूम साफ करवा रही थी, क्या मैंने बाथरूम साफ करने के लिए रखा अपने मम्मी पापा को, नौकरों के लिए पैसा दिया था ना, क्यों क्या हुआ उसका, क्या
नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम तो मुझसे प्यार करते हो ना, तो मुझ पे पुलिस केस कैसे कर सकते हो? अरे भाड़ में गया ऐसा प्यार, ऐसी बीवी मुझे नहीं चाहिए, मुझे ऐसी रिश्ते नहीं चाहिए यार। प्यार करता हूँ अपने मम्मी पापा से, नहीं देख सकता उनके आंखों में आंसू। देखो प्लीज ये सब मत करो, मैं हाथ जोड़कर पैर पड़कर माफी मांग लूंगी तुम्हारे माँ बाप के, पर ये सब मत करो। देखो मैं बदल जाऊंगी, सबको एक मौका मिलना चाहिए ना बदलने का। मैं ये सब नहीं करूंगी आगे से, बदल जाऊंगी पक्का। भाड़ में गया तुम्हारा प्यार, बदल जाओगी क्या? बदल जाओगी तुम? तेरे जैसी लड़की कभी नहीं बदल सकती। जो इतना सब कर सकती है वो शायद कुछ भी कर सकती है। पुलिस तो आई रही है, फैसला हो जाएगा, लेकिन हाँ एक हिसाब बाकी रह रहा है। निकल जाओ यहां से, गेट आउट।